हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल के कॉर्न कटलेट कबाब या पेटिस की रेसिपी लेकर आई हूं। और भरपूर सब्जियों को मिलाकर बनाए जाने वाले यह कॉर्न कटलेट न सिर्फ स्वाद से भरपूर है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। और इस कटलेट को पार्टियों के लिए स्टार्टर के रूप में परोसा जा सकता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। सबसे पहले हम मकई के दानों को गर्म पानी में 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे और फिर इसे हम छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं पानी गर्म हो गया है। इसमें मैंने आधा चम्मच नमक ऐड किया है और अब हम एक कटोरी मकई के दानों को ऐड कर देंगे। पानी में बढ़िया सा उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, हमें इसे और ज्यादा नहीं पकाना है। उबले हुए मकई के दानों को छान लें और अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें। और अब यहाँ पर मैंने 4 व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दूंगी और इसके फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लूंगी। और अगर आपके पास में ताजी ब्रेड नहीं है तो आप ड्राई ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दर्शकों, आज की यह रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स को बना लिया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। इसे हम छील लेंगे और इसे साइड में रख देंगे, इसे हमें रेसिपी में बाद में इस्तेमाल करना है। तो चलिए, हमने जो मकई के दाने उबाल कर रखे थे उसे मैंने छान लिया है और उसे पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इस उबले हुए मकई के दानों में से हम 1 टेबल स्पून मकई के दाने अलग रख लेंगे और बाकी दानों को हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे, मकई के दानों को पीसते समय हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कुछ इस तरह का दरदरा सा पेस्ट बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने मध्यम आंच पर कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और उसी के साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक को हम सिर्फ आधा मिनट तक तेल में भून लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे दरदरा पिसा हुआ मकई का पेस्ट। मकई या कॉर्न के दानों में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हम मकई के इस पेस्ट को इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इस तरह से यह पेस्ट थोड़ा ड्राई भी हो जाएगा और इसमें से अतिरिक्त पानी भी निकल जाएगा, और इस प्रक्रिया को करना बहुत जरूरी है, तो आप इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए, लगभग 3 मिनट हो चुके हैं, मकई का पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके बाद में एक बड़ा बोल लें या बड़ा बर्तन लें और उसमें 4 उबले हुए आलू डाल दें और पोटैटो मैशर की सहायता से इसे अच्छी तरह से मैश कर लें। और अब समय है सब्जियों को ऐड करने का, तो आप अपने पसंद की सब्जियां यहां पर ऐड कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ गाजर लेंगे 2 चम्मच और बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची लेंगे 2 चम्मच। हमने 1 चम्मच उबले हुए कॉर्न साइड में निकाल के रखे थे, उसे भी अब हम इस सामग्री में ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और उसी के साथ में 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो चलिए, अब इस मकई के कटलेट को रेस्टोरेंट स्टाइल का लुक देने के लिए इसमें मैं 1 चम्मच बारीक कटे हुए काजू ऐड कर दूंगी। और अब मकई के कटलेट में हल्की सी मिठास लाने के लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच किशमिश ऐड कर देंगे। और अब हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, उसी के साथ में 1/2 चम्मच हम अमचूर पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास में अमचूर पाउडर नहीं है तो 1/2 चम्मच नींबू का रस डाल दें। मकई का पेस्ट अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, उसे भी हम इस सामग्री में ऐड कर देते हैं। हमने जो ताजे ब्रेड क्रम्स बना के तैयार किए थे उसे भी हम सभी सामग्री में मिक्स कर देंगे और 2 से 3 चम्मच हम ब्रेड क्रम्स बचा लेंगे, उसे हमें बाद में इस्तेमाल करना है। आखिरी में इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियो को देखने के लिए बेल बटन आइकॉन प्रेस करें। आप देख सकते हैं कि इस मिक्सचर में अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। और अगर आपको लगे कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स और ऐड कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि मिश्रण में सूखे और गाढ़ेपन की स्थिरता होनी चाहिए। कटलेट, टिक्की या कबाब को शेप देने से पहले हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के इसे चिकना कर लें, जिससे कि यह मिश्रण हाथों में चिपकेगा नहीं। अब मिश्रण में से थोड़ा सा हिस्सा लें और इसे हथेलियों पर रखकर गोल गोल घुमाते हुए इसे टिक्की का शेप दें। और अब इस कटलेट को ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से लपेट लें और इसी प्रक्रिया के मुताबिक सभी कटलेट को बनाकर तैयार कर लें। आम तौर पर कटलेट को डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन आप इस लो फैट कॉर्न कटलेट को कम तेल में भी बना सकते हैं। और अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हैं तो आप इसे बेक या ग्रिल भी कर सकते हैं। इस कटलेट को आप सुबह के नाश्ते या शाम की चाय के साथ में परोसे, यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब लगते हैं। तो चलिए, मैंने सभी कटलेट्स को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे शैलो फ्राई करते हैं। आंच को मध्यम रखते हुए एक नॉनस्टिक पैन लें और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर दें और इस तेल
को गर्म होने दें। तेल के गर्म होते ही कॉर्न कटलेट को आप इसमें डाल दें और इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लें। कॉर्न कटलेट या टिक्की को लगभग 2 मिनट तक तब तक पकाएं जब तक कि नीचे का भाग सुनहरा भूरा न हो जाए। चलिए अब हम कॉर्न कटलेट को पलट लेते हैं और इसे दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं। कॉर्न कटलेट के दोनों किनारों को सुनहरा भूरा होने तक पकाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कॉर्न कटलेट दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गए हैं और इनका रंग भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। और कॉर्न कटलेट या टिक्की को दोनों तरफ से कुरकुरे होने तक सेकें। तो चलिए हमारे कटलेट बनकर तैयार हैं। अब हम इसे एक पेपर टॉवल पे निकाल लेते हैं जिससे कि इसमें से अतिरिक्त तेल निकल जाएगा। तो दर्शकों, आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार ज़रूर इस तरह से कॉर्न कटलेट या टिक्की को बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपके पास में कोई सुझाव हो तो वह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अंत में इस मसालेदार और कुरकुरे कॉर्न कटलेट या कॉर्न टिक्की को धनिया की चटनी या पुदीने की चटनी या टमाटर सॉस के साथ में सर्व करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।